नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की ओर। इससे पहले हम आपको बता दें, जीएनएन न्यूज अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन बजाना ना भूलें, ताकि हर खबर से आप रह सकें अपडेट। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं थाना नजफगढ़ द्वारका जिला दिल्ली पुलिस की है, जहाँ मंदिर का ताला तोड़कर दान पात्र का पैसा लेकर फरार हुए आरोपी को धर दबोचा गया है। गौरतलब है कि द्वारका जिला थाना नजफगढ़ पुलिस ने मंदिर से चोरी की गई राशि 390 रुपए आरोपी के कब्जे से बरामद की गई है। आरोपी व्यक्ति का खुलासा मंजीत और उसकी पहचान जिला रोहतक हरियाणा का बताया जा रहा है। पुलिस की पूछताछ पर पता चला कि आरोपी व्यक्ति पहले से ही चोरी के मामले के साथ साथ लगभग 5 मामलों में शामिल है, जिसके बारे में जीएनएन न्यूज संवाददाता से रूबरू होते हुए द्वारका जिला डीसीपी संतोष कुमार मीना क्या बताते हैं, आप भी सुनिए। नजफगढ़ के इलाके में 14 तारीख की रात को एक शख्स जो है मंदिर से चोरी करके भाग रहा था, तो वही बीट स्टाफ जो पेट्रोलिंग पे था, उन्होंने एक शख्स को नैप किया। पैसों की रिकवरी हुई और इस पे जो पुराने 5 मामले हैं, एक हरियाणा का मामला है, आउटर का है, हमारे मामले भी हैं जो पुराने। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जीएनएन न्यूज़। और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।